सांप की बुरी ताकत। गांव के पास में दो दूर सांप रहते थे। दोनों बहुत ही शक्तिशाली सांप थे। हर समय गांव वाले के ऊपर नजर थी, क्योंकि गांव वाले उनके जंगलों को बर्बाद कर रहे थे। आज से गांव वाले की बर्बादी शुरू। एक एक करके गांव के लोगों को मरना होगा, तभी ये बची हुई जंगल को बचा सकेंगे। उसी गांव में दामू नाम का पुजारी रहता था। दामू अपनी पत्नी और बेटा और बेटी के साथ रहता था। बेटे का नाम था राजू और बेटी का नाम था लावण्या। अक्सर दोनों साथ में खेला करते थे। इधर दोनों सांप गांव के लोगों को मारने के लिए तैयार थे, तभी उस रास्ते से माथुर नाम का आदमी जा रहा था। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। ये मेरा शिकार है, इसे मैं मारूंगा। अच्छा ठीक है, ये कहते हुए दुष्ट सांप माथुर को मारने के लिए चला जाता है। दुष्ट सांप माथुर के आगे आ जाता है। ये देखकर माथुर वहां से भागने लगा। दुष्ट सांप अपनी शक्ति से माथुर के आगे आ जाता है और अपनी शक्ति से माथुर को मार देता है। मैंने तो शिकार कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। आज नहीं, कल आते हैं। कुछ देर बाद राजू और लावण्या खेलते खेलते गांव से दूर आ जाते हैं। तभी राजू की नजर माथुर के ऊपर पड़ी। राजू और लावण्या पास जाके देखते हैं। माथुर को मरा हुआ देखकर वहां से भागने लगे। अपने पिताजी को सारी बातें बताते हैं। पुजारी दामू भागते भागते माथुर के पास आता है। देखता है माथुर मरा हुआ है। जिसका डर था, अब वही मुसीबत सामने आ चुकी है। अब ये दुष्ट सांप गांव वाले को नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए दामू अपने गुरुजी के पास जाता है और सारी बातें बताता है। दामू की बातें सुनकर पुजारी हंसने लगा। दामू डरो मत, माथुर को साधारण सांप काटा होगा। अगले दिन राजू और लावण्या खेल रहे थे, तभी दुष्ट सांप वहां आ जाते हैं। तुम एक शिकार करो, मैं एक शिकार करता हूं। दुष्ट सांप अपनी शक्ति से राजू और लावण्या को मार रहे थे। तभी पुजारी दामू अपनी मंत्र से दुष्ट सांप की शक्ति को नष्ट कर देता है। यह देखकर दोनों दुष्ट सांप डर जाते हैं। दोनों अपनी शक्ति से पुजारी के ऊपर हमला कर देते हैं। पुजारी की शक्ति कमजोर होने लगी। यह देखकर पुजारी वहां से गायब हो जाता है और पुजारी को सारी बातें सुनाता है। ये बातें सुनकर पुजारी दुष्ट सांप के पास जाते हैं और अपनी जादुई शक्ति से दोनों दुष्ट सांप को पत्थर बना देते हैं। दामू, ये दोनों दुष्ट सांप के मूर्ति को कहीं दूर छुपा के रख देना। किसी भी इंसान की नजर इनके ऊपर ना पड़े। अगर किसी इंसान की नजर इनके ऊपर पड़ गई तो ये दोनों जिंदा हो जाएंगे। दामू दुष्ट सांप के मूर्ति को लेकर अलग अलग जंगलों में छुपा देता है। कुछ महीने गुजर जाने के बाद विनोद नाम का लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहा था। तभी उसकी नजर सांप के मूर्ति के ऊपर पड़ी। थोड़ी देर बाद दुष्ट सांप जिंदा हो जाता है। आगे क्या होगा इस कहानी में, जरूर देखना भाग 2 में।